अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एसएस में पार्ट 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज 24 to 30 करेंगे। 24 क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि आर से आर तक है, और फंक्शन कुछ इस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन हमें ये कैलकुलेट करना है, एफ इनवर्स माइनस 9, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स को जो है कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो ये कैसे होगा, जैसे हमें ये गिवन है, तो अब मैं इसमें जो है स्टैरिक में जो है पुट करूँगी इसमें y को। अब यहाँ पे अगर मैं y पुट करूँगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगी, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट y आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, जिसे हमें पता है कि ये हमारे पास फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। अब यहाँ से अगर हम इसमें x कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो x होता है वो हमारे पास f इनवर्स ऑफ y होता है। तो ये हमें यहाँ पर जो है x की जगह पे ये यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, f इनवर्स ऑफ y। तो जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी f इनवर्स ऑफ y, तो ये कुछ मेरे पास इस तरह हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर y है, तो मैं जस्ट y की जगह पे x को जो है प्रेस करूँगी यहाँ पर, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। यहाँ इसमें जो है हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्या करूँगी, x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू -9, क्योंकि यहाँ पर हमें x की जगह पे -9 गिवन है, f इनवर्स -9। जब मैं -9 पुट करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा ±3 iota, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, ये वैल्यू ये आ जाएगी। और ये नंबर हमारे पास जो है ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जैसे कि यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है आर से आर तक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ऑप्शन डी होगा, नल से। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। इसमें हमारे पास है इन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्रोइंग अ डाई ड्राइंग अ लेटर एट रैंडम फ्रॉम अ इंग्लिश अल्फाबेट, देन टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट्स इन द सैम्पल स्पेस विल बी। हमें टोटल नंबर बताने हैं सैम्पल स्पेस में। अब सैम्पल स्पेस में हमारे पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास जो भी आउटकम आता है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से हम रेंडमली किसी भी लेटर को जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये देखें, अगर हमारे पास ये एक इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें हमारे पास जो है ना ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। हम रेंडम किसी भी लेटर को जो है ड्रा करेंगे। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मतलब नंबर्स होते हैं ना टोटल, वो 26 लेटर्स होते हैं इसमें। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि हमारे पास जो डाई है, अब डाई में हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ 1 भी हो सकती हैं, 2, 3, 4, 5 and 6। तो ये जो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास डाई में होती हैं, और 26 जो हैं वो हमारे पास इसमें से पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो हम इन दोनों को 6 को जो है 26 से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 156। मीन्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे सैम्पल स्पेस में, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो टोटल पॉइंट्स होंगे वो 156 होंगे। 25 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में हमारे पास है विच ऑफ दिस सेट इज़ इन आइडियल इन अ रिंग ऑफ इंटीजर्स। अब हमें रिंग ऑफ इंटीजर में ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है वो आइडियल होगा। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है रिंग ऑफ इंटीजर में हमारे पास आइडियल क्या होता है। अब इसका जो है ऑप्शन डी वैसे सही है, इवन नंबर्स जो हैं वो इसका जो है आइडियल होगा। मैं राइट ऑप्शन को चेक करूंगी कि आइडियल कैसे चेक करते,
बट आप जो है 8 नंबर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। बट पहले हम चेक करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि आइडियल हम किसी भी मतलब जो है जैसे कि रिंग ऑफ इंटीजर है और इंटीजर जो है विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास जो है रिंग होती हैं। अब रिंग की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिंग में हमारे पास दो ऑपरेशन होते हैं, इसमें हमारे पास जो है रिंग में 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक तो हमारे पास R विद एडिशन हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप होता है एंड R विद मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेमी ग्रुप होता है एंड इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है वो होल्ड करते हैं। इसमें हमारे पास दोनों होंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास रिंग की डेफिनेशन है। अब हमारे पास ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ रिंग होगा कि सेट ऑफ इंटीजर जो है रिंग होती हैं। अब हम आइडियल के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि आइडियल हम कैसे चेक करते हैं। ये चेक करना है कि क्या इवन नंबर जो है वो हमारे पास आइडियल होगा सेट ऑफ इंटीजर मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स का। किसी भी दो एलिमेंट को जो है हम लेंगे, जैसे कि मैंने ए बी लिया है ई में से, ये हमारे पास एक इवन नंबर है तो हमारे पास जो ए होगा जैसे कि ए हमारे पास जो होगा वो 2m के इस फॉर्म में होगा क्योंकि इवन है तो इवन हमारे पास सारे इस फॉर्म में होते हैं और हमारे पास बी भी कुछ इस तरह इस फॉर्म में होगा। बाय डेफिनेशन हमारे पास आइडियल के लिए हम क्या करते हैं, हम दो प्रॉपर्टीज़ को इसको चेक करते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि ए माइनस बी को चेक किया जाता है। एक हम एक एलिमेंट आइडियल सेट को जिसको चेक करते हैं उसमें से लेते हैं और एक R जो है वो हम इसमें से रिंग में से लेते हैं जिस रिंग का हमें आइडियल शो करना होता है। तो इन दोनों में बाद में हम ये चेक करते हैं कि जब हम इन दोनों का A का R के साथ प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास जो है इसमें इवन सेट जो जिसको हम आइडियल कह रहे हैं वो उसमें आ जाए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है हम आइडियल के लिए शो करते हैं। अब वन बाय वन हम इन दोनों को चेक करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो है ना जैसे कि R को मैंने राइट साइड पे लगाया है तो ये राइट जो है होगा, इसी तरह से हम इसको जो है लेफ्ट साइड को भी जो है ये राइट आइडियल होगा, इसी तरह लेफ्ट आइडियल भी होगा जिसमें हम क्या करेंगे जैसे इसी तरह जिसमें हम आर ए ये हमारे पास राइट आइडियल होगा वो लेफ्ट आइडियल होगा। ए मेरे पास है 2m एंड बी मेरे पास से 2n, तो इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आएगा तो ये m माइनस n आएगा। ये जो हमारे पास नंबर आया ना 2 के मल्टीपल में तो ये खुद भी हमारे पास इवन नंबर में आ गया। हम सेकंड को कैसे करेंगे, सेकंड को ज़रा देखें। अब इसमें हमारे पास ar है, एक ही जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे 2m r, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ। 2 इसके प्रोडक्ट में है तो ये हमारे पास इवन नंबर में होगा। की जगह पे तो सेम R रखेंगे, M A की जगह पे हम 2M रखेंगे और 2 को मैं बाय शिफ्ट कर दूंगी तो ये R M है। अब ये भी हमारे पास जो है कुछ इस तरह का नंबर है जो कि इवन नंबर में एग्जिस्ट करता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या कहते हैं कि E हमारे पास जो है सेट ऑफ इवन नंबर जो होता है इज़ आइडियल होता है। नंबर 26 है उसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडर ग्लोस थ्योरी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स इफ एंड ओनली इफ द पॉलिनोमियल्स ग्लोस ग्रुप इज। अगर मैं इस थ्योरी को थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, ये हमारे पास ग्लोस थ्योरी जो है ग्रुप थ्योरी का टॉपिक है। अब इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है कि द रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है अगर उसकी रूट्स जो हैं अगर उनकी रूट्स हमारे पास सॉल्वेबल होंगी बाय रेडिकल्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है इफ़ एंड ओनली इफ में होंगी कि उसके जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ ग्लोस ग्रुप, ये हमारे पास स्टेटमेंट है ग्लोस थ्योरी की कि रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स इफ एंड ओनली इफ द पॉलिनोमियल्स ग्लोस ग्रुप इज सॉल्वेबल। इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा सॉल्वेबल। 28 क्वेश्चन को, इन अ ग्रुप जी 2 4 6 8 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10 द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कैलकुलेट करना है इसमें, जबकि हमें ग्रुप गिवन है, ग्रुप में मेंबर्स कौन से हैं 2 4 6 8।
अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना हमारे पास, इस तरह जैसे कि मैंने एक ग्रुप में से ए ले लिया है, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे कि ई है, और ई के साथ मैं स्टेरिक लगाऊंगी तो वो मेरे पास सेम आंसर आना चाहिए, वही आंसर है। तो ये एडिटिव एलिमेंट की जो है यहाँ पर ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है फॉर ऑल के लिए होता है, जी के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं 2 को जो है मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आएगा। जब मैं डिवाइड करूँगी माडुलो 10 से तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो मतलब ये इसमें है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी तरह से 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 24 आएगा। अब 24 को माडुलो 10 करूँगी तो 4 आ जाएगा, मतलब ये भी इसमें है। अब इसी तरह से 6 को करूँगी, 6 6 36 आएगा। 36 को जब मैं माडुलो 10 से करूँगी तो 6 आएगा, तो मतलब ये भी इसमें होगा। इसी तरह से जब मैं 8 को 6 से करूँगी पास 48 आ जाएगा। डिवाइड करूँगी 10 माडुलो 10 से तो मेरे पास रिमाइंडर जो है 8 बच जाएगा, तो ये भी इसमें होगा। इसी तरह से हम चेक करेंगे, ये तो यहाँ पर 6 है, अगर 6 यहाँ पर भी होता तो जो हमारे पास फर्स्ट पे ही, जैसे कि ये अगर 8 यहाँ पर होता, जैसे कि हमें MCQs कुछ इस तरह से, ऑप्शन कुछ इस तरह से गिवन होते हैं, लेट सपोज, तो हम जैसे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो अगर हमारे पास इस तरह के ऑप्शन होंगे तो हम 8 को पहले करेंगे 2 से, अब 16 को 10 से करेंगे 6 आ गया, तो ये नहीं होगा। ये यहाँ से ही हमें पता चल गया ये नहीं होगा। इसी तरह से फिर हम जैसे कि यहाँ पर 4 पे आएंगे तो 4 2 8 आ रहा है, जबकि मैं, मुझे तो 2 चाहिए था, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से फिर 6 की तरफ जाएंगे तो 12 को जब हम माडुलो 10 से करें, ये 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बाकी मेंबर्स को भी चेक करेंगे। और सारे एलिमेंट्स जब इस तरह सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे ये इनका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। बहरहाल ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा था। इस MCQs का जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज़ इट्स ऑन इनवर्स देन जी इज़ कार्ड। एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कि ये हमारे पास जो है एक स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी, और वो ग्रुप हमारे पास जो है एबिलियन है, तो अगर हमारे पास एक ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप ही ऐसा है जिसमें हर एक एलिमेंट का जो है ना अपना एक इन्वर्स होता है, ठीक है, अपना इन्वर्स होता है, तो ये जस्ट एबिलियन ग्रुप में ही होल्ड करता है। 29 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एबिलियन। क्वेश्चन नंबर 30 को करेंगे, अ टेंसर इज़ अ मल्टी लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो टेंसर होता है, जैसे कि टेंसर को नोटेशन उसकी ये होती है डिनोट करने की, ये हमारे पास इंडेक्सेस होती हैं टेंसर में। अब जो आई है वो हमारे पास जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, एंड जे जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास एक मल्टी लीनियर फंक्शन होता है टेंसर। क्वेश्चन 30 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ तक हमारे जो है 30 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।